हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। मई में पूरी होगी शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया। एनसीटी और यूजीसी साथ मिलकर 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स जारी करेंगे। 7.5 लाख युवा होंगे तकनीकी रूप से दक्ष, मिलेगा 9,000 रुपये भत्ता। कैमरों की निगरानी में प्रैक्टिकल न कराने पर प्रधानाचार्यों पर केस होगा। एससीईआरटी के विशेषज्ञ बनाएंगे यूपी बोर्ड के पेपर 2। ऊंची पेंशन के लिए घर बैठे आवेदन की सुविधा। अब मृतक आश्रितों की नियुक्ति प्रक्रिया होगी पूरी तरह ऑनलाइन। पुरानी पेंशन पर एक हुए केंद्र और राज्य कर्मचारी संगठन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन की चेतावनी। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हां दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किस मैं नहीं है यूट्यूब चैनल पर। एनसीटीई और यूजीसी साथ मिलकर 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स पर तेजी से कर रहे मंथन। शैक्षणिक सत्र 2023-24 से शुरू होंगे कोर्सेज। एनसीटीई और यूजीसी साथ मिलकर 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स पर तेजी से कर रहे मंथन। माना जा रहा है कि इसे लेकर जल्द ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। अब तक इस कोर्स को शुरू करने के लिए करीब 200 शैक्षणिक संस्थान आवेदन कर चुके हैं। 4 वर्षीय नए स्नातक कोर्स की तरह इस साल से शुरू होने वाले 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स में भी छात्रों को बीच में पढ़ाई कभी भी छोड़ने, एग्जिट और फिर से शुरू करने एंट्री का विकल्प मिल सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई के बीच इसे लेकर मंथन तेज हो गया है। माना जा रहा है कि इसे लेकर जल्द ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। इस बीच एनसीटीई ने इस कोर्स के दायरे को विस्तार देते हुए मानकों को पूरा करने वाले किसी भी सरकारी उच्च शैक्षणिक संस्थानों को इसे शुरू करने की अनुमति देने का फैसला लिया है। शुरुआत में इसे सिर्फ देश के 50 चुनिंदा उच्च शिक्षण संस्थानों से ही शुरू करने की योजना बनाई गई थी। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में शुरू होगा कोर्स। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक शिक्षा में बड़े बदलाव के साथ जुड़ा यह कोर्स इसी साल से यानी कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 से शुरू होगा। इस कोर्स को शुरू करने के लिए देश के अब तक करीब 200 उच्च शिक्षण संस्थानों ने इच्छा जताई है। इनमें कई IIT और NIT जैसे संस्थान भी शामिल हैं। खास बात यह है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP में शिक्षक शिक्षा का गुणवत्ता को बेहतर बनाने सहित विषय विशेषज्ञ व समर्पित शिक्षकों को तैयार करने के लिए इन कोर्स को शुरू करने की सिफारिश की गई थी, जिसमें छात्रों को 12वीं के बाद सीधे दाखिला दिया जाएगा। वैसे भी NEP के तहत वर्ष 2030 के बाद स्कूलों में इन्हीं शिक्षकों की नियुक्ति भी दी जाएगी। नए पाठ्यक्रम को दिया जा रहा अंतिम रूप। सूत्रों के मुताबिक इस कोर्स को शुरू करने के इच्छुक संस्थानों के आवेदन को परखा जा रहा है। जनवरी महीने के अंत तक इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा। इस दौरान जांच की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन रखा है। इस बीच NCTE ने CUET या फिर राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा के जरिए इनमें दाखिला लेने की योजना बनाई है, जिसे लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के साथ चर्चा जारी है। छुट्टियों में प्रसिद्ध शिक्षकों के पारस्परिक तबादलों को हरी झंडी, ऑनलाइन आवेदन कभी भी कर सकेंगे। लखनऊ प्रसिद्धि विद्यालयों के शिक्षकों के जिले के अंदर आपसी तबादले गर्मियों और सर्दियों की छुट्टी में होंगे। इसके तहत ग्रामीण सेवा संवर्ग में तैनात शिक्षकों का ग्रामीण सेवा और नगर सेवा संवर्ग के शिक्षकों का शहरी क्षेत्र में ही तबादला हो सकेगा। प्राथमिक विद्यालय में किसी विषय की बाध्यता नहीं होगी, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालय में समान पद व समान विषय वाले शिक्षकों को ही इसका लाभ मिलेगा। शासन ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से इस संबंध में भेजे प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। साथ ही अब वर्तमान सत्र में गर्मी की छुट्टियां यानी मई में तबादले की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रमुख सचिव दीपक कुमार की ओर से जारी अंतः जनपदीय स्थानांतरण नीति के तहत पारस्परिक आपसी तबादलों के लिए जिले स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में समिति गठित होगी। इस समिति में BSA सदस्य सचिव होंगे, जबकि DIOS व वित्त एवं लेखा अधिकारी बेसिक सदस्य होंगे। इन श्रेणियों में होंगे तबादले। एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दूसरे में प्रधानाध्यापक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तबादला। उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक का दूसरे उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक या प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दूसरे उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर सम्मिलित वाले विद्यालयों में भी इन्हीं श्रेणियों में यह मानक लागू होंगे। यह प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन या रजिस्ट्रेशन NIC द्वारा विकसित पोर्टल पर पूरे शैक्षिक सत्र के दौरान ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि से 15 दिन की अवधि में उसका प्रिंटआउट BSA कार्यालय में जमा करना होगा। BSA 15 दिन में आवेदन की पात्रता का परीक्षण खंड शिक्षा अधिकारी से कराएंगे। सत्यापन के बाद 1 माह में जिला स्तरीय समिति आवेदन पर निर्णय लेगी। शिक्षक 15 दिन में जिला स्तरीय समिति के समक्ष आपत्ति कर सकेंगे। स्थानांतरण आदेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। लखनऊ प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार मुख्यमंत्री प्रशिक्षण योजना के तहत 7.5 लाख स्नातक उत्तीर्ण युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने की योजना बना रही है। इसके तहत सरकारी व निजी क्षेत्र के संस्थानों में 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षु को 8 से 9 हज़ार रुपये भत्ता भी दिया जाएगा। इस प्रस्ताव को मूर्त रूप देने के लिए काम शुरू हो गया है।
प्रदेश सरकार की योजना पूर्वांचलित लोकसभा चुनाव से पहले बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा तोहफा होगा। योजना के तहत प्रत्येक जिले से 10,000 स्नातक उत्तीर्ण युवा चुने जाएंगे। ये युवा मुख्य रूप से बीए, बीएससी, बीकॉम और समकक्ष स्नातक स्तरीय डिग्री डिप्लोमा धारक होंगे, क्योंकि प्रावधिक शिक्षा के अंतर्गत इंजीनियरिंग डिग्री व डिप्लोमा धारक विद्यार्थियों के लिए यह व्यवस्था पहले से है। इसी क्रम में अब सामान्य उच्च डिग्री धारक को इसका फायदा दिए जाने की योजना है, ऐसे अमल में लाएंगे। ओर से संचालित राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रशिक्षण योजना के तहत पिछले वर्ष तक सिर्फ तकनीकी डिग्री डिप्लोमा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के लिए भत्ता देने की व्यवस्था थी। इस वर्ष से केंद्र ने इस योजना में सामान्य ग्रेजुएट्स को भी प्रशिक्षण का मौका और भत्ते के लिए अनुदान देने की व्यवस्था की है। इसी क्रम में यूपी में मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना शुरू करने की योजना है। इनमें जिन 7.5 लाख युवाओं को चुना जाएगा उनमें करीब 4 लाख को सरकारी विभागों में प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। 3.5 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र दक्ष करेगा। इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षाएं सीसी कैमरे की निगरानी न करने और डीवीआर में रिकॉर्डिंग सुरक्षित न रखने पर स्कूल के प्रधानाचार्य जिम्मेदार होंगे। डीआईओएस इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे ताकि प्रधानाचार्य व स्कूल प्रबंधक मनमानी व गड़बड़ी न करने पाएं। डीआईओएस ने शनिवार को प्रैक्टिकल कराने वाले स्कूलों के प्रधानाचार्यों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। डीएम ने परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए हैं या स्कूलों के निरीक्षण की रिपोर्ट डीआईओएस को भेजेंगे। यूपी बोर्ड ने 12वीं की प्रयोगात्मक परीक्षाएं सीसी कैमरे की निगरानी कराने और इसकी रिकॉर्डिंग के निर्देश दिए हैं। रिकॉर्डिंग भी सुरक्षित रखनी होगी। डीआईओएस राकेश कुमार पांडे ने बताया कि लखनऊ में माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा 758 स्कूलों में 308 को प्रयोगात्मक परीक्षाओं का परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इन स्कूलों को प्रधानाचार्यों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। प्रयोगात्मक परीक्षाएं सीसी कैमरे की निगरानी में ही कराएं। इन्हें डीवीआर में रिकॉर्डिंग भी सुरक्षित रखनी है ताकि जरूरत पड़ने पर यूपी बोर्ड को मुहैया कराई जा सके। निरीक्षण दस्ते ने लैब में कैमरे रिकॉर्डिंग देखी। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट प्रयोगात्मक परीक्षा 1045 केंद्रों पर रविवार को संपन्न हुई। वहीं राजधानी में 67 स्कूलों के बच्चों ने भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान समेत दूसरे विषयों के प्रैक्टिकल दिए। सेक्टर मजिस्ट्रेट और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने केंद्रों का निरीक्षण कर लैब में सीसी कैमरे और रिकॉर्डिंग देखी। बाहर से आए परीक्षकों ने अपने सामने बच्चों से प्रयोग कराकर देखा। मॉडलों का अवलोकन, छात्रों से प्रश्न भी पूछे। सेक्टर मजिस्ट्रेट ने 43 जिला विद्यालय निरीक्षक के 5 केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। 21 से 28 के बीच प्रयोगात्मक परीक्षा होनी है। एसडीएम प्रशासन के नेतृत्व में मजिस्ट्रेट लगाए गए। डीएम सूरपाल गंगवार ने 12वीं के प्रैक्टिकल पर सख्त नजर रखने के लिए एडीएम प्रशासन विपिन मिश्रा के नेतृत्व में 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं। इन्हें इलाके वार प्रयोगात्मक परीक्षाओं के केंद्र की जिम्मेदारी दी गई है। रोजाना निरीक्षण की स्कूल वार रिपोर्ट तैयार करेंगे। डीआईओएस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। नजदीकी स्कूल में देंगे परीक्षा। कम छात्र वाले स्कूल के बच्चे नजदीकी परीक्षा केंद्र पर प्रैक्टिकल देंगे। यूपी बोर्ड ने जिन स्कूलों के परीक्षा केंद्र दूर बना दिए थे, यहाँ के बच्चे भी पास के स्कूल में प्रैक्टिकल कर सकेंगे। डीआईओएस ने इन स्कूलों को छूट दी है। प्रयागराज यूपी बोर्ड के कक्षा 9 से 12 तक के प्रश्न पत्र अब यूपी बोर्ड की बजाय राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT में बनाए जाएंगे। इसकी शुरुआत कक्षा 9 के प्रश्न पत्र बनाने से हो रही है। कक्षा 9 के हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित व सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र निर्माण के लिए कार्यशाला 30 जनवरी से 3 फरवरी तक SCERT लखनऊ में होने जा रही है। इसके लिए राज्य शिक्षा संस्थान व आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान एलनगंज के अलावा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। आने वाले समय में कक्षा 10 से 12 तक के प्रश्न पत्र भी SCERT में तैयार होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा ने 2020 में किए गए बदलावों के अनुसार प्रश्न पत्र निर्माण किया जाएगा। इस संबंध में महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजयकांत आनंद का कहना है कि SCERT का कार्य कक्षा 1 से 12 तक के शैक्षणिक रूपरेखा तैयार करने के साथ ही अनुभव आधारित अध्ययन को बढ़ावा देना है। NEP 2020 के अनुरूप कक्षा 9 के प्रश्न पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी SCERT को दी गई है। भविष्य में 10 से 12 तक के पेपर भी SCERT के विशेषज्ञ बनाएंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO ने उच्च पेंशन के लिए खास सुविधा शुरू की है। इसके लिए पात्र पेंशनधारक व EFO मेंबर पोर्टल पर संयुक्त विकल्प के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद EPFO ने इसकी अनुमति दी है। इसके तहत EPFO ने 29 दिसंबर 2022 को उच्च पेंशन के पात्र कर्मचारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने संबंधी सर्कुलर जारी किया था। जारी सर्कुलर में EPFO ने कहा कि पेंशनभोगी जिन्होंने कर्मचारी के रूप में 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की तत्कालीन वेतन सीमा से अधिक वेतन में जमा किया था और संशोधन पूर्व योजना के साथ EPS के तहत संयुक्त विकल्प चुना था, अब उन्हें उच्च पेंशन का लाभ मिलेगा। EPFO ने कहा कि अब ऐसे पात्र कर्मचारी EPFO की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दी थी राहत। पिछले साल नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 2014 के कर्मचारी पेंशन स्कीम संशोधन को बरकरार रखा था। इसकी वजह से EPFO के अंशधारक को उच्च पेंशन लेने का विकल्प चुनने का एक और मौका मिला। जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 को EPS के सदस्य थे, उन सभी को वास्तविक वेतन से अधिकतम 8.33% हिस्सा पेंशन के लिए तत्कालीन EPS में जमा करने की अनुमति थी। सुप्रीम कोर्ट के संबंधित आदेश के तहत EPS सदस्य को संशोधित योजना चुनने के लिए 6 महीने का समय दिया गया था। UAN पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। उच्च पेंशन के लिए 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर हो चुके और संयुक्त विकल्प के तहत तत्कालीन पेंशन स्कीम को चुनने वाले कर्मचारी EPFO की इस खास सुविधा के तहत UAN पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। पात्र कर्मचारी इस पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। हर माह की 10 तारीख को खास सुविधा।
ईपीएफओ अपने सदस्यों की समस्याओं के लिए अपने स्थानीय कार्यालय में हर माह की 10 तारीख को भविष्य निधि आपके निकट नाम से समाधान कार्यक्रम आयोजित करता है। 10 तारीख को छुट्टी होती है तो उस दिन यह कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाता, अगले कार्य दिवस पर इसको आयोजित किया जाता है। इन समस्याओं का हल, इसके तहत ईपीएफओ कार्यालय पर अधिकारियों की ओर से सभी समस्याओं को सुना जाता है। इसमें पेंशन से जुड़ी समस्या, बकाया पीएफ राशि, पीएफ बैलेंस की जानकारी, बंद हुआ खाता, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच विवाद या फिर अन्य समस्या सुनी जाती है। प्रसिद्धि स्कूलों के शिक्षकों और बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु होने के बाद उनके आश्रितों को अब नौकरी के लिए विभाग के चक्कर नहीं काटने होंगे। मृतक आश्रितों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन करने की तैयारी है। मानव संपदा पोर्टल पर संबंधित मृतक की आईडी से उसके आश्रित नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सत्यापन के बाद मृतक आश्रित को उनकी योग्यता के अनुसार सहायक शिक्षक, क्लर्क व चपरासी के पद पर नियुक्त किया जाएगा। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद के मुताबिक मानव संपदा पोर्टल पर प्रसिद्धि शिक्षक व कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी आईडी से परिवार की आपसी सहमति से किसी एक सदस्य द्वारा नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसमें वह ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के साथ साथ शैक्षिक योग्यता के सभी अभिलेख अपलोड करेगा। इसमें सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र, जिलाधिकारी कार्यालय से निर्गत परिवारजन वारिस प्रमाण पत्र, मृत शिक्षक व कर्मचारी से सेवा संबंधित अभिलेख और परिवार के सदस्यों की सहमति का शपथ पत्र शामिल है। नई दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू होने के बाद अब दूसरे राज्यों में भी इसकी मांग उठने लगी है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी संगठनों ने एक मंच पर आकर पुरानी पेंशन हासिल करने के लिए संघर्ष करने का ऐलान किया है। संगठनों का आरोप है कि नई पेंशन योजना एनपीएस एक धोखा है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारें पुरानी पेंशन ओपीएस लागू करें। साथ ही चेतावनी दी कि मांग नहीं मानने पर संगठन राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के संयुक्त कार्य परिषद के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा और सह संयोजक एम राघवैया ने पत्रकारों से कहा कि ओपीएस बुढ़ापा बचाने की लड़ाई है। इसमें केंद्र सरकार के 36 लाख गैर वर्दीधारी कर्मचारी, राज्य सरकारों के कर्मचारी, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में कार्य शिक्षक आदि प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। भावनात्मक रूप से वर्दीधारी कर्मचारी भी समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नई पेंशन योजना में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 26,000 के स्थान पर 1,500 से 4,000 रुपये महीना पेंशन मिल रही है। संगठन के संयुक्त परिषद सांसद और विधायकों को कई पेंशन मिलने के मुद्दे पर श्वेत पत्र तैयार कर रही है। पुरानी पेंशन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के संघों और यूनियन द्वारा 21 जनवरी को दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।